ये घर है अनिल चौहान जी का। अभी स्कूल बंद हो गई तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि अब खुलेगी नहीं खुलेगी, जो गरीब बच्चे होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, कई समस्याएं हो रही हैं। अब जो काफी रौनक हुआ करते थे और अब स्कूल बंद हो गया है तो सब लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे पढ़ाई की वजह से प्लान भी कर लिया है। तो ये इस गांव की अभी तक की सबसे बड़ी समस्या है कि इतना भारी गांव दुख हुए बाबा मीत है सर के ना, में। भारी दुख के लिए हमारी स्कूल बंद हुई सही बात है, है। हमारा बच्चा जो कुछ भी बोला बाबा पहुंच पा रहे पहुंच है ना, वो स्कूल का वजह से चल ये स्कूल में पढ़ा और करें। क्या, ये स्कूल में पढ़े नु छोटा बट्टी। यहाँ सुअर है, जंगली जानवर की वजह से जो है खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। यहाँ सुअर ज्यादा है, बंदर है, लंगूर है। कम से कम 5 माह प्लान इसलिए रुकेगा, जब यहाँ कोई कंपनियां लगेगी, रोजगार मिलेगा बच्चों को। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, गांव में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप लकड़ी पे बहुत अच्छी कलाकारी की हुई, अभी भी देख सकते हैं आप। ये हमें धरोहर और ये फर्स्ट क्लास पेंटिंग पेंटिंग करें और पढ़ाऊँ मकान जो साहब हो, और अभी भी देख सकते हैं बिल्कुल खड़ूचा। स्वागत है गाइस आपका फिर से देवभूमि उत्तराखंड में। और आज ब्लॉग का शुरुआत होने चाह CDS अनिल चौहान जी के गांव से। उनका गांव का नाम है गवाणा, ब्लॉक खिरसू, पौड़ी गढ़वाल। तो गाइस आपको पता ही है कि पहले वाले जो CDS थे वो थे बिपिन रावत जी, जो सेकंड CDS बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान जी। तो अभी आप मुनि के गाँव में हूँ और चलते हैं आज विजिट करते हैं, देखते हैं कितना विकास है और क्या क्या इनके गाँव में बढ़िया है। यहाँ आने के लिए श्रीनगर से मात्र ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये 20-25-30 किलोमीटर के आसपास है। तो रोड कंडीशन में बात करूँ तो रोड जो बीच बीच में जो कच्चे बीच है, पक्के बीच है बरसात के कारण, और रोड का कि डामरीकरण से क्या की जरूरत बीजे डामरीकरण की, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है आने में। सामने आप देख सकते हो ये रोड आ रही है और ये आगे कंगड़ी के लिए जा रही है। तो गाँव का रास्ता जैसा होता ही है पहाड़ में, देख सकते हैं आप बिल्कुल टाइल टूल लगे हैं ना। आम ख्याल से कहा फिर और एक देखता बहुत बड़ा आमर डाल था भाई रास्ता में, जन रोड बटी की थोड़ा बढ़ लगी तो वह टाइल्स लगे अच्छा, और ये रास्ता बिल्कुल गांव का उबड़ खाबड़ वाला। देख सकते आप फर्स्ट नाम तो देखा छंद मिल गए जबकि गौर बचर रहे दिन। और ये देखा भैया अच्छी पुरानी टंकी और एक लगन को पानी फूने आँच मेरे ख्याल से बढ़िया ऐ छो पापा ब्लॉक पौड़ बड़ी छो में। तो हम आज CDS जी के गाँव दिखा रहे जरा कम छो यार चौहान जी। अच्छा पुनः आज अच्छा ये देखा भाई गाँव के लोग मिल गए नहीं मैं ही, और बहुत सुंदर किशन कुलदीप का प्राण जी। आप बताओ साहब आपका क्या बहर भी रहा? ना ना बहर तो मैं पहले दिल्ली रह चुके हूँ, मतलब 10-12 साल। अच्छा। वेगा बात अब घर ही है अपने काम जी, मैं इलेक्ट्रिशियन को काम करता बिजली को। अच्छा तो आप काम एक ही कर घर में? हाँ दिल्ली भी करी, दिल्ली भी करी। हाँ पर आप घर ही में ज्यादातर आप घर ही सब दिल्ली बसे हैं लगभग। अब कद और पहले कद छा? पहले भी जी नहीं छा, 40-45 परिवार छा, 30-35 रहे। प्लान तो बहुत हुई जो सब पुंगड़ा पटाला देख लो बंजर पड़ गए सारे, कोई खेती करने को राजी नहीं है। अब जो कर भी रहा है तो सुअर जानवर सारे खत्म कर रहे हैं जमीन। खेती बाड़ी बहुत दूर भी है, नजदीक भी है, गांव के बगल पे भी है और उधर भी सामने ये सारे बंजर पड़ा हुआ है। अच्छा और रोड आप पक्की कर लेंगे क्या ना ये ढंग से? ये अब पिछली बार भी आए थे ये, जब इस रोड का बारे में बताया था हमने कि इस रोड को भी मतलब लिंक कर दिया जाए मंगला को ये पोखरी वाली रोड पे। अभी देख बहुत बुरा हाल से यहाँ पे जो कोई जो ओणी छे जो या ओणी रामपुर बटी। हां रामपुर हां बहुत हालत खराब छे, खड्डा-गड बिजा छे ना बाबा रोड अब छते ना सुई मेरे बाबा भी बानी। अच्छा को जाने तुम घास कटनो जाने पर घास कटनो जानो द थोड़ बतागड़ धरी तुम्हार दछड़ी भी धरी मेरी गरीब गुरवा लोग छा जी। हमारे रोड सही बड़ा हम पैदल जान पैदल होना मुन कन मा जान हम तो बुड्ढे छ हम मर जो लौकी एक हॉस्पिटल के असिस्टेंट अगर बीमार कुछ नहीं हम तो एक डिस्मिसरी कांडे खा खोल दिया नो नो डूंड लांगड़ छ कुसाल मणि छ एक नो तो उन के के मतलब मिल तो कुछ एक पेंशन पेंशन छ बाबा बाकी कुछ नहीं दे हमर प्रधान न मन मिन बोला पर प्रधान मिन बोली एक मोटरसाइकिल दे देवे त बाजार जानो। हां और 3 पहिया बोले हां 3 पहिया बोल दे दी तन भी नहीं कर मेरे प्रधान। अच्छा
अच्छा के छना आप पुंगड़ा पड़ो छे छन बिजान छन बिजा से पर कण कोई थे नहीं कण वाल कोई नहीं तो मतलब सब रहंदे नहीं या कोई हम तो या जेड जे पितरकोट रखन गणाया अच्छा पितरकोट अच्छा अच्छा तो आपका घर नाम देर दो दिल्ली रहन में दिल्ली अच्छा और यू देखो साहब एक शानदार घर बनाई छ भाई साहब को बहुत ही बढ़िया लगणो छ लेबर रेट में लगे लेकिन लेबर रेट भी कम से कम 12-12.5 लाख को बनी पड़ गया अभी तक 12.5 लाख तक हां लेबर गढ़वाल छ नहीं कि देसी ना ना देसी छन बिहार की देसी छन हां तो ये मतलब ईंटो घर छ हां ईंट का है ना ब्लॉक का ब्लॉक का ब्लॉक ईंट इस गांव में सोलर लाइट की सुविधा भी है खंभा लगे छ यूज साहब एक बहुत सुंदर घर आप देख सकते हैं पूरी सीमेंटेड और बीच बीच में जो है यूँ को थोड़ा बहुत पुराना डिजाइन भी रखी छे और अच्छा लगनो यू लेकिन ताल लगू चखा मेरे ख्याल से बहर रोंद वाला और आप भी देखना चाह अगर वीडियो तो आप घर बहुत सुंदर छा अब आप जो है कि इसको रिपेयर करते रहो और बहुत बढ़िया तरीके से ये चलता रहेगा नींदर वो घर चो और ये देख सकते हैं अभी भी लकड़ी की बहुत सारी नक्काशी है इस पर फर्स्ट क्लास चद्दर वो मकान और आधे सीमेंटेड बहुत बढ़िया शानदार तो ये ब्यार अच्छे ना और ये जो खिड़की छन ये पुरानी खिड़कियों की नए मकान पर रखी अभी भी बहुत सुंदर लगन यू भाई बोर्ड करूँगा शानदार मकान आप देख सकते हैं यू हाँ अरे ये देख ये अभी भी एक जो छे ना बहुत सुंदर लगन छ लगभग कत साल पुराना हो गया घर 87 साल पुराना 87 है मीना देवी तो आप अनिल चौहान जी की भोला के बहू अच्छा भोला बहू अच्छा तो क्या मतलब अनिल चौहान छिन घर ना घर नहीं कभी ना अच्छा ऑन चढ़ो थे हाँ तो का खाए तो आए नहीं चिंता हालत जरा कम से कम गांव विकास सही बात हाँ सब लोग उम्मीद का ना हूँ ताकि घर वाला ओला तो आए नहीं सुनो कि बन चढ़ा होगा मैसेज की दिन चढ़ा थे अब वो तो ये बना थे ना कि भले छुट्टी नहीं है टाइम नहीं है ये बना थे भाई तो हम ये तो बन था टाइम तो निकल पड़ो हाँ टाइम गाँव हाँ है जाना तो बड़ी खुशी बात है और गांव में आप जन रोड रोड भी जरे दिक्कत छ दिक्कत छ हां रोड दिक्कत छ और पुंगड़ा उंगड़ा पुंगड़ा तो याद हुए छ तो बाकी सब सुंगरन सब पका लिया सुंगर एक बिचन हां दुनिया भर होता अच्छा अच्छा हां अत हॉल तांग कन के लगो ना हॉल ट्रैक्टर छ ट्रैक्टर लगो ट्रैक्टर लियो हां ट्रैक्टर ट्रैक्टर में दुई आदमी चढ़ा छ ना दुई छोड़े सब गांव का जाना ट्रैक्टर पे अभी हां अच्छा अच्छा चलिए धन्यवाद धन्यवाद तो भाई एक सीमेंटेड घर यु छ और मथि जो छ यु देख सकते हो मधु पालन मधुमक्खी पालन का बना रखा है ऊपर बहुत सुंदर और एक देख सकते हैं भाई आप एक बीमार है बीजाम ये और ये देखो भाई इसमें नया भी है पुराना भी मकान है बहुत सुंदर और ये देख सकते हैं आप पुराना मकान बहुत ही बढ़िया आज भी खर्च और ये देख सकते हैं मूड़ी बहुत बढ़िया ये देखा ये कोद चख पता नहीं ये तो गए और उन्होंने कुछ पता नहीं चाह एक ही देख सकते हैं चादर वाल मकान बहुत ही बढ़िया और बगल में पुराने मकान में चादर ये घर है अनिल चौहान जी का सीडीएस अनिल चौहान जी के घर अभी भी पुराना है और ये बहुत ही सुंदर धरोहर आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है ये पूरा का पूरा पत्थरों का डिज़ाइन है और मत भी बहुत सुंदर पठा था लगा चौक आप देख सकते हैं वो भुले बारे को बहुत सुंदर करी छो ये पूरी लिपे लिपे के बहुत बढ़िया बनी छो और ये है कपराण जी का घर आप देख सकते हो बहुत बढ़िया साहब ये तो आप पुराने धरोहर अभी भी समाधि धरी छा बहुत बढ़िया और ये जो भाई कपराण जी किचन आप देख सकते हैं पहाड़ों में बहुत ही सुंदर किचन देख सकते हैं भाई गैस गोस सब कुछ धरियो चा और ये पंख भी लगे गर्मी में पुराने जमाने की कुंडी चटकनी और दरवाजे पे भी पुराना सीन सिर्फ पेंट हुई यहाँ पर और लकड़ी आज भी देखा ये बिल्कुल टस से मस नहीं है बहुत सुंदर सोलर लाइट और वे दगड़ी शिमला होना चाहिए तो टू इन वन काम छो बहुत बढ़िया ये शिमला भी होना चाहिए लाइट भी जगनी बहुत ही बढ़िया मकान अभी भी यहाँ धरोहर संभाल कर रखी हुई है
और अच्छा लग रहा है इन पुराने घरों में आके ना, अलग सा सुकून मिल रहा है पहुँच के। कपुरान जी का ये कोदू, ये देख सकते हैं आप, सोटा और ये पता नहीं जी धरे बोलो, लेकिन बढ़िया ये खेती बाड़ी चीज होंगी। कुछ बांझ पुणी चाह, कुछ होनो चाह, कुछ छोट छाड़ी की चल गए लोग, कुछ इस तरह से है कपुरान जी घर। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर। और भाई साहब जो चाय को कष्ट करे लोला, ज्यादा तो नहीं, अरे बिजाम बड़े हैं तुम्हारे। तो कपड़ा जी जन गाँव में स्कूल छापे की, तो बहुत बढ़िया छो। अब स्कूल बंद हो गए ना, आप प्राइमरी भी और जो मतलब आठ क्लास तक छे, कद का फर्क पड़ माल जी? स्कूल बंद होने से तो बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे स्टाफ की गाड़ी लगी रहती थी, लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिल जाती थी, स्कूल की गाड़ी में लोग आना जाना कर देते थे। लेकिन जब से स्कूल भी बंद हुई है तब से लोगों का मतलब पैदल ही जा रहे हैं लोग ज़्यादातर। अब जिनके पास अपनी गाड़ियां होंगी वो तो बाइक स्कूटी से निकल ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से चमदार कम से कम 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है लोगों को। मतलब एक एक पहचान थी स्कूल की हमारे गाँव की, मतलब ये था कि जैसे पोलिंग बूथ हो गया और ये विधानसभा चुनाव चुनाव सब वही स्कूली से होते थे। हमारे छोटे बच्चे जो होंगे वो कहाँ पढ़ाएंगे लोगों को, जिसके पास किराया नहीं होगा बाजार में रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से लोग ज़्यादातर श्रीनगर जा रहे हैं पढ़ाने, श्रीनगर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, काफ़ी लोग चले गए। हाँ बहुत सारे चले गए। तो सी डी एस अनिल चौहान जी के गाँव में स्कूलें थी वो बंद हो गई हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और अब यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई दिल्ली जा रहा है, कोई श्रीनगर जा रहा है, तो पहले यहाँ काफ़ी रौनक हुआ करते थे और अब स्कूल बंद हो गया है तो सब लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे पढ़ाई की वजह से पलायन भी कर लिया है। तो ये इस गांव की अभी तक की सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल नहीं है यहाँ पे। चौक चुंग सीमेंटेड, लेकिन अभी भी उर्खा चुंग धरियों चा, ये बहुत बढ़िया साहब धरोहर धरियों एकदम पुराने धरोहर, बहुत ही सुंदर। और ये मैं देख सकता हूँ आप, ये चौक में ये पूरा घास जमे चा, लेकिन बहुत ही सुंदर। ये गांव में अभी भी पुराना मकान छे ना, आप देख सकते हैं पिछले, और तकरीबन सबके ना डिज़ाइन जो है बिल्कुल बराबर ही छे। जैसे चौहान जी का घर दिखाया था तो चौहान जी का घर भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं पीछे, ये घर अभी भी खड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है अभी भी। तो यू चु भाई पंचायत भवन, पंचायत घर, और आप देख सकते हैं ये गाँव में बहुत सुंदर बनी हुई है। मत जो चाहिए टीन शेड जो है तो बीच में पंचायत भवन चा, आधा जो गाँव का मकान इनहेबिट भी दिखाना चाहिए और कुछ गाँव का मकान जो है इनहेबिट भी दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल सेंटर में है ये और बहुत ही बढ़िया बना रखा है। गौरा देवी का मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छी जगह में। तो भाई साहब आप गांव बहुत अच्छे लगे हमते, और यख जन रोड दिक्कत जी रही, रोड भी दिक्कत, रोड और पानी की, पानी की। अच्छा सी डी एस अनिल चौहान जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपका बटनियन गौर कवर बटनियन में? वो आई नहीं ना अभी तक, अपने गाँव में आओ, अपने गाँव का उद्धार करो, भला करो, उसका क्षेत्र का विकास होगा उससे। अगर एक बार वो आ जाए यहाँ पे तो हमारे गाँव का क्षेत्र का विकास होगा। और ये जो बिल्डिंग छ या ये गाँव की आंगनबाड़ी आप देख सकते हो बहुत सुंदर। अब ये आंगनबाड़ी में क्या क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बिल्डिंग जो बहुत बढ़िया बनी छ, पुराने घर पे ही नया सीमेंटेड बना के जंगला जुंगला लगा के बहुत सुंदर बना रखा है। ये बहुत ही पुरानो और पढ़ो मकान जो साहब हो, और अभी भी देख सकता हूँ बिल्कुल खड़ूचा। तो बोडी इन बता हुआ आप गाँव मतलब रोड जरा सी दिक्कत चा, तो कब हो ठीक? अब पता नहीं कब होंगी कुछ पता नहीं, अमन के जाने था हम जान होगा। अरे ना ना आप लोग हो तो गांव का अभी भी अच्छा हुआ है। और मुझे जंड साहब यू अनिल चौहान जी जो सीडीएस छिन, हां मैं थिमकन छु डर। अच्छा अच्छा अब ऑन छिन घर ना? वो आई ही नहीं आ जाऊं जबर बटे सीडीएस मणि। अ तो के मैं से दियो चना आप मुझे कब आण कब आ लो? अब पता नहीं वो इधर आओ कब छना भी तुम मुख में छा खड़ा हुई। हां वो एक बार छ बुला बुआ। हां 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 तो अब ए नहीं छनु कभी ना? ना जबर बटे सीडीएस मणि आई नहीं आ जाऊं। वैसे पहले कभी छोटा माया बोलू तब घर नहीं आने देर दून फुना रहे तब अब दिल्ली में जान। अच्छा तो छोटा मत देखियो आप? हाँ देखियो छोटा क्यों क्या लगा था आप क्या बोलता हूँ वो तो अमोता चाची बोल। अच्छा तो वो आप बेटा होगी?
दिल्ली दुल्ली कब जाना कब जाना आप? अब जान नवंबर में। नवंबर में ठंडी में कान लगो दो आज ये कच्छ लगो दो कि वो कच्छ लगो दो आज चुका कि वो बाल बाल वो नाती नातना दगड़ी आज ही लग दो पर तब एक भी तब बांझा नहीं सर झाड़ी जुड़ी हुई जाएंगी अगर वो खराब लेता हाँ ये तब घर भी देखनी चाहिए ना वो तो कभी कभी आना नहीं बेचारा अच्छा तो ये का हवा पान ठीक चा बहुत अच्छा क्या उम्र भला आप 80 पर रह गया 80 पर ये बाबा बिल्कुल आप तो बिल्कुल सही चलना चाह अगर देसा लोग 80 पर भी नहीं होगी 60-65 में जो कल्याण अस्सी शुरू होगी 80 शुरू होगी वाह वाह क्या बात दुकोदो सुकोनो धरे तेरे से और यो चो भाई एक सुंदर मकान पुराने अभी भी देख सकते हैं आप ये हम धरोहर और ये फर्स्ट क्लास पेंटिंग पेंटिंग करें चौहान जी ना भाई बाबा नींद ना और चढ़ो थे देखा भी नहीं हमारा अच्छा तुम्हारा देखा हाँ बाबा जरा वो आला तो विकास भी बोलो आला तो करनी हो तो विकास करता गाँव को तो है ना कुछ ना कुछ हाँ बाबा रोड बन जान दी हाँ रोड रोड बन जंदी और स्कूल भी बंद होएगी ना स्कूल भी बंद होएगी नहीं बच्चा ही नहीं सब चल गिन बाबा हम बुड्ढे छा बस बड़े बड़े बच्चा हां सही बात तो तुम्हारे से कूद कूद भी लगे जो क्या खेती भी करना चाह बाबा मेरी खेती करी इफने हैं का तक पोंगड़ा मेरा मेरे छन 3-4-5 पोंगड़ा 5 पोंगड़ा ई उम्र में हां बाबा कन के करदा कुछ कोई कर दो छे जो हॉल वगैरह हां हॉल नो नो बाबा बड़ो नो नो दो हां वो ट्रैक्टर अन हॉल दो ट्रैक्टरल हां का करन भाई साहब वो ग्रेटिंग नोएडा दिल्ली अच्छा ग्रेटर नोएडा हां तुम जान जाके भी ओका हां बाबा कन लगो दोखा सर्दियों में सर्दियों में ओ अच्छो नहीं लगदो बाबा अपने घर में अच्छो लगदो एक ही ठीक छे हां अच्छा एक बढ़िया छे अब टाइम पास हो जन बस चलिए बहुत सुंदर अच्छा लगी और आप घर भी बहुत बढ़िया बने छो अरे नो ना तब बाबा नौकरी निकला तो उन खान क्या बात वही होगी ना हां जान तो पड़ो नौकरी करनो खनो हां बाबा सही बात हां हां नाती नतना पढ़ाया लिखा है स्कूल बंद होगी नहीं बहुत दुख हुए हम तैत स्कूल बंद हो भारी दुख हुए बाबा मीत है सर के ना भारी दुख के लिए हमारी स्कूल बंद हुएगी सही बात है, है? हमारा बच्चा जो कुछ भी होला बाबा पहुंच पा रहे पहुंच है ना वो स्कूल का वजह से चल स्कूल में पढ़ा और क्या ही स्कूल में पढ़ा ना छोटा बड्डी और बोड़ी बोनी चा कि नहीं बोली जा वाले घर का और यू देखा अब देखा तुम इतना घर आइटम होना चाह और लोग जो है ना आना नहीं छा अब बर्ड जो देख निम्ब निकालनी ये देखो भाई एक घर यू पीछे बहुत सुंदर तिबरी खोला टाइप अब भी देख सकते हैं आप लकड़ी पे बहुत अच्छी कलाकारी कही हुई तो इतना बढ़िया बढ़िया घर मिलना चाहिए खा बहुत ही सुंदर हाँ बहुत बढ़िया चाहिए खा अच्छा साहब सीडीएस साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कब से नहीं आए हो यहाँ अब मैंने तो अपने जिंदगी में आज तक तो देखा नहीं मैं 56 साल का हो गया हूँ आज तक मैंने उनको देखा नहीं गाँव में अच्छा हाँ जी क्या उम्मीद करते हैं आप आएंगे वो उम्मीद तो है कि आएंगे और आना चाहिए उनको बिल्कुल थोड़ा अपने गांव की तरफ देखना चाहिए अपने जो हैं बड़े बुजुर्ग आदमी जो भी हैं गाँव गले के थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए मैं धनीराम कबरान ग्राम गवाना पौड़ी गढ़वाल से हूँ है ना यहाँ पलायन का रोजगार कुछ है नहीं इसलिए पलायन ज़्यादा हो रहे हैं गाँव में जो है अगर कोई कंपनियाँ लग जाती हैं तो पलायन अपने आप रुक जाएगा इसलिए लोग नीचे की तरफ मतलब दिल्ली देहरादून जा रहे हैं पलायन इसलिए रुकेगा जब यहाँ कोई कंपनियाँ लगेगी रोजगार मिलेगा बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगार हैं गाँव में बैठे हुए हैं है ना और यहाँ सुविधा कुछ नहीं है गाँव में कोई भी सुविधा नहीं है ना यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है ना यहाँ स्कूलें हैं बच्चों के लिए लोग अपने बच्चों को श्रीनगर पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को अपने कमरे किराए पे लेके वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ हमारे पूरे गांव में जो है कि समान वो किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है हमें सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग गाँव में बेरोजगार हैं किसान लोग हैं इसलिए हमारी भी कोई वो सुनी जाए समस्या देखी जाए है ना यहाँ सुअर है जंगली जानवर की वजह से जो है खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है यहाँ सुअर ज़्यादा है बंदर है लंगूर है कम से कम 500 लंगूर यहाँ खेती को नष्ट कर रहे हैं देखो सामने जो है पूरी खेती है ना मंडवा है वो तिल है दलहन है मतलब जो भी है सब जो है सुअरों ने वहाँ खेती बर्बाद कर दी है हम लोगों की इसलिए जो है वहाँ घेरबाड़ की सुविधा दी जाए हमें थोड़ी बहुत तो घेरबाड़ है ही
पूरी घेरवाड़ हो जाए तो थोड़ा हम लोगों के खेती बाड़ी का काम भी हो सकता है। और ये देख सकते हैं ये गांव का नौल को मतलब है कि यह कुआं, और यहाँ भी देखो धरोहर की तरह रखी हुई है और इसके अंदर पानी है। यूच भाई मंदिर आप देख सकते हो, ये मुझे लग रहा है कुदरत ही पत्थर निकला हुआ है जिस तरह से ये लगा रखा हुआ है, और बहुत ही सिस्टमेटिक नंदी है ये या शेर है ये कोई तो है। तो ये गांव में अभी भी पानी को कुआं छेंचे बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से जब लोगों को जरूरत पड़ वाली तो एक बड़ी पानी ले जाने वाला। सीडीएस अनिल चौहान जी का गांव, और गांव में जो है विकास मांग रहा है, रोड की दिक्कत है, पानी वानी की दिक्कत है जैसे कि होता ही है पहाड़ों में, और गांव में लोग बहुत अच्छे मिले, और गांव में क्या है कि लोग चाहते हैं कि वो एक बार गांव आए तो हो सकता है कि उनके आने से विकास भी हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर सीडीएस अनिल चौहान जी वीडियो को देख रहे हैं तो गांव तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे एक बार अपने गांव जरूर विजिट करें आप, हो सकता है कि आपके गांव आने से यहां मतलब काफ़ी विकास हो सकता है। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारे गांव पे आओ, लेकिन भाई मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जो भी अपने गांव में बुलाना चाह रहा है आप फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्प्ले में आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, कॉन्टेक्ट करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, आप लोकेशन भेजो, हम आपके गाँव में आएँगे, गाँव की स्थिति दिखाएँगे, गाँव के लोगों को दिखाएँगे, और अच्छा लगता है हमें गाँव गाँव जाके कहे कि आजकल गांव में उन भी पलायन होना चाह कोई नहीं रही चाह। तो हम चांद छा कि हर गांव में जाओ और वक जाके गांव की स्थिति दिखाओ कि क्या क्या चाह।